बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आटे के बहरान के हवाले से। टेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान है, आटे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आटे की कीमत में इजाफा होते ही चक्कियों पर भी आटा नायाब हो गया। मार्केटों में सस्ता आटे की खरीदारी के लिए रश बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़, फयाज पार्क और दीगर स्टॉल्स पर आटे का कोटा ना बढ़ाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। मुल्तान की शहरी शदीद सर्दी में गैस की सहूलियात से महरूम है। शहर के बेशतर इलाकों में अहम औकात के दौरान गैस गायब रहने लगी। स्कूल और दफ्तर जाने वाले शदीद परेशानी से दो चार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। में इजाफा होते ही गैस गायब रहना मामूल बन गया। मुल्तान के शहरी कहते हैं कि सुबह के औकात में गैस नहीं होती और अगर कभी आ भी जाए तो प्रेशर ना होने के बराबर होता है, जिस पर खाना बन ही नहीं सकता। हर रोज बाजार से खाना नहीं खरीद सकते। हम अगर सुबह का नाश्ता भी बाहर से अफोर्ड करें और दोपहर का खाना भी बाहर से अफोर्ड करें तो पहले ही हमारी जो पे इनकम है जो हमारी वो पहले ही बहुत कम है। आपके सामने मुल्की हालात है, इकोनॉमिकल स्टेटस हमारा पहले ही बहुत लो हो चुका है, तो इसमें हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि गैस फराहम किया जाए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। शहरियों का कहना था कि बिल तो बहुत आ जाते हैं मगर गैस आने का नाम नहीं लेती। LPG सिलेंडर्स, लकड़ी और कोयले इतने महंगे हैं कि वो भी कुव्वत खरीद से बाहर है। आखिर गरीब शहरी जाए तो जाए कहाँ। बच्चे भूखे जाते हैं, गैस होता नहीं है बिल्कुल। सुबह सुबह बच्चे को छोड़ना पड़े, रात दिन इतनी गैस सर्दी हुई खड़ी है। सिलेंडर 3-4 हज़ार का महीना लग जाते, आमदनी इतने भी खर्चे हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं बंदा, बड़े परेशान गुजार रहे हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि गैस फराहम की जाए और प्रेशर को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही न्यूज, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे LPG की कीमतों में कमी कर दी गई है। LPG फी किलो 11 रुपये 59 पैसे सस्ती कर दी गई। LPG की नई फी किलो कीमत 204 रुपये 35 पैसे मुकर्रर है। LPG का घरेलू सिलेंडर 136 रुपये 86 पैसे सस्ता। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2411 रुपये 43 पैसे मुकर्रर हो चुकी है। ओगरा की जानिब से जनवरी के लिए कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मुल्तान में लंडा बाजार की रौनक के मांग पड़ने लगी है। सर्दियां अपने जौबन पर आते ही लंडी की तमाम अशिया गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। लंडे की गर्म कपड़ों और जूतों की कीमतों में इस साल दोगुना इजाफा हुआ। कपड़ों की कीमतें सुनकर शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मर्तबा कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया गया। कपड़ों और दीगर चीजों की कीमतों में 60% तक इजाफा। कपड़ों की कीमतें सुनकर शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। जो चीज हमें 300 से 400 रुपए में मिल जाया करती थी उसकी सूरत अब ये हो गई है की वो 800 से 1000 रुपए पहुँच गई है। और इनसे बात करो, बार्गेनिंग करो, तो इनके पास 100 दलीलें होती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात इनके पास ये होती है कि यार हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दी हैं। दुकानदारों का कहना था कि कपड़ों की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। जहां से हम खरीदते हैं वहां से भी महंगे मिलते हैं। अब तो ग्राहक भी नहीं आते, इतनी कीमत सुनकर वापस चले जाते हैं। कारोबार इतना खत्म हो गया, अब रुपए में 4 आने रह गए बस, और महंगाई इतनी हो गई अल्लाह माफी बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या करती है हुकूमत इतनी महंगाई कर रही है कि लोग बस जीना मुश्किल हो गया बस। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गर्म कपड़ों की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब तन ढांप सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और जामपुर के सैलाब मुतासरीन हुकूमती सर्वे पर फट पड़े। मुतासरीन ने हुकूमती सर्वे को मुस्तरद करते हुए नजर सानी का मुतालबा कर दिया। मुतासरीन का कहना था कि सर्दियों में उनके बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस पर देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। जामपुर के सैलाब मुतासरीन ने हुकूमती सर्वे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से असर 9 सर्वे करवाने का मुतालबा कर दिया गया। मुतासरीन सदाब का कहना था कि हुकूमत ने एक खानदान के लिए 25,000 रुपए मंजूर किए, इससे बेहतर है इमदाद दी ही ना जाती। सैलाब वाले लोग सर्वे रहता है गलत है, सारा 25,000 डूडू बनते हे कही जाते, लेकिन सर क्या बढ़ जाए ना कोई डर, सारा फसला आते सारे रकबे बर गए हैं, सारे दाने लौट गए, 200 मन मेरे दाना लौट गए, कोई इमदाद हुकूमत के पास नहीं मिलिया। सैलाब मुतासरीन ने शिकवा करते हुए कहा कि सर्वे में अक्सर सैलाब मुतासरीन का नाम तक शामिल नहीं किया गया। जो 25,000 की इमदाद मंजूर की गई है इससे क्या करें, 50,000 क्या बन दे, साडे निके निके बच्चे नहीं रहता कछे है, असा उए अजाब खंदे पियो, ए पंजा कने असा को बेहतर आना देवे ना, बस ठीक है जिवें सारा टाइम पास थी ना बे, अल्लाह करीम ए टाइम उए भी पास थी वेसी। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब से फसलें तबाह हो गई हैं, खाने को कुछ नहीं बचा, हमारे हाल पर तरस खाया जाए।
سیلاب ہے سر کچھ کہنی تا سائیں میں پدارتے پیو بارش وسدا کڑے سیلاب متاثرین نے حکومت اور مخیر حضرات سے مطالبہ کیا ہے کہ ان پر ترس کھا کر مکانات بنوا دیے جائیں تو وہ سردیوں سے بچ سکیں گے۔ رود کوئی کے سیلاب نے سیلاب متاثرین کو مشکل میں ڈال کر ایک نئے دورہ پر لا کھڑا کر دیا۔ اب یہ سیلاب متاثرین سیلاب تھمنے کے باوجود بھی کھلے عام آسمانوں تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مخیر حضرات نے ان کی مدد تو کی لیکن حکومتی سطح پر ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ اب ان لوگوں کا مطالبہ ہے خدارہ مہربانی کر کے اثر نو سروے کیا جائے اور ان کی مالی امداد کی جائے تاکہ یہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ ساتھی کیمرامین کے ساتھ جاوید اقبال، روہی نیوز، جامپور۔ رنگ بھومی 1880 سے قائم گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول محکمہ تعلیم کی نظروں سے اوجھل اسکول کی عمارت زب و حالی کا شکار ہے۔ چار دیواری گرنے کے باعث اسکول میں گندگی کے انبار لگ گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رانا پرویز اختر کی یہ رپورٹ۔ محکمہ ایجوکیشن مظفر گڑھ اور سکول انتظامیہ کی مبینہ نااہلی۔ رنگ پور کا قدیمی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول خستہ حالی کا شکار۔ اسکول کی عمارت اور چار دیواری ٹوٹ پھوٹ چکی ہے جس کے باعث اسکول کے اندر گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، جبکہ پلے گراؤنڈ پر قبضہ مافیا نے فصلیں کاشت کر لی ہیں۔ اسکول کونسل ممبر رانا صفدر حسین کا کہنا ہے کہ اسکول کی تزئین و آرائش اور دیگر امور کے لیے سالانہ 14 لاکھ روپے کے فنڈز ملتے ہیں جو کرپشن کی نظر کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تقریباً 14 لاکھ روپے سالانہ فنڈ آتا ہے مگر سکول پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور اس کے فیک بل بنوائے جاتے ہیں اور ہمیں سکول کونسل والوں کو کہا جاتا ہے کہ ان پر سائن کریں۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شہری کہتے ہیں کہ سکول میں گیٹ پر بھی تجاوزات قائم ہیں، سٹاف کے رہائشی کوارٹرز بھی خستہ حالی کا شکار ہیں، سکول کے اندر صفائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ادھر ایک روپے کا کام بھی نہیں ہو رہا، حالت ایسی ہے کہ کوارٹر گرنے والے ہیں، دیواریں اس کی ہیں نہیں، تو پتہ نہیں نہ جانے فنڈ کدھر جاتا ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ آ کر ادھر تھوڑا سا نظر ڈالی جائے تاکہ ادھر ہمارے سکول کی حالت بہتر ہو سکے۔ اسکول انتظامیہ کا اپنے موقف میں کہنا تھا کہ اسکول گراؤنڈ کا رقبہ لیز پر دیا گیا ہے جس کی مد میں آنے والی رقم سرکاری اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جاتی ہے۔ شہریوں نے اعلی حکام سے اسکول کے فنڈز کا آڈٹ کرانے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین رانا عاقب کے ساتھ رانا پرویز اختر، روہی، رنگ پور۔ تعمیراتی کاموں میں سست روی سے تاجر طبقہ پریشان ہے۔ ملتان میں چنگے نمبر 5 کا روڈ سیوریج لائن ڈالنے کے بعد شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ کی ابتر حالت اور گرد و غبار سے دکانداروں کا کاروبار بھی متاثر ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں نواپور روڈ پر جاری ترقیاتی کام سست روی کا شکار، تعمیراتی کام 2.5 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکے۔ چنگی نمبر 5 پر روڈ مکمل طور پر تباہ حال ہے۔ سیوریج پروجیکٹ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹے روڈ کی مرمت بھی نہیں کی جا سکی۔ ٹوٹی پھوٹی روڈ کے باعث دکانداروں کا کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ 2.5 سال ہو گئے تقریباً اس روڈ کو اکھڑے ہوئے، سارے کاروباری لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، لوگ دکانیں چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صاف ذریعہ جن کا کاروبار نہیں چلتا، یہاں آپ کے سامنے بالکل کھانے پینے کے اشیاء، یہاں چوک پہ بہت زیادہ کھانے پینے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ بھی نہیں آ رہے، چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سکول ہیں ساتھ، بڑے مسئلے ہیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ روڈ پر جمع مٹی اور گندگی سے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جبکہ گڑھے بند نہ ہونے کے باعث حادثات بھی ہوتے ہیں۔ افسران کو بہت شکایات کی لیکن وہ بات تک نہیں سنتے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو دکانیں ہیں اس میں جو بھی کھانے پینے کا مال ہے اس میں بھی گندگی پھیل رہی ہے، اس کے اندر بھی مٹی اور گرد غبار ہے، وہ بھی انسانوں کو بیمار کر رہا ہے اور اس میں ہمارے بھی دکانوں کا والوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، دکانداروں کا تو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے۔ تعمیراتی کام کے سیوریج کے نام پر شروع کیا گیا تھا جو کہ آج 2.5 سال مکمل ہونے کو ہیں، لیکن آج تک ان کا کوئی کام بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا۔ نہ ہی سیوری لائن مکمل ہوئی، نہ ہی پانی کے پائپ، نہ ہی روڈ کی مینٹیننس۔ ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا اس روڈ کو سیدھا کرنا شروع کیا تھا، اب یہ پانی کے پائپ آ گئے۔ پانی کے پائپ آئے ہیں، وہ رات کو کھدائیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے آگے یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تاجروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نواپور روڈ کے پروجیکٹس کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ کاروباری طبقہ کی پریشانیاں کم ہو سکیں۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ ملتان پولیس میں افسران کی شدید کمی ہے، معمول کے کام متاثر ہونے لگے۔ ضلع میں اس وقت ایس ایس پی رینک کی 2 جبکہ ایس پی صدا کی 4 سیٹیں خالی ہیں۔ مزید جانتے ہیں مظہر خان کی اس رپورٹ میں۔ ملتان پولیس میں افسران کی کمی سے معمول کے کام متاثر، اس وقت ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ ان سیٹوں کا عارضی چارج بھی کئی روز گزرنے کے باوجود کوئی نہ دے سکا۔
इस वक्त एसएसपी कैंट, एसएसपी गुलगश्त, एसएसपी सदर और एसएसपी हेडक्वार्टर की सीटें भी कई हफ्तों से खाली पड़ी हैं। जिला भर में इस वक्त एसपीओ के बाद सिर्फ एक एसएसपी तैनात है। इस वजह से पुलिस मुलाजमीन को चेन ऑफ कमांड की मुश्किलात का सामना है, जबकि शहरियों की कई दरखास्तें और केसेस इल्तवा का शिकार होकर रह गई। मजर खान, मुल्तान। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान की साल 2022 में शानदार कारकर्दगी, एक साल के अंदर शिकायात में 80% तक का इजाफा हो गया। एडवाइजर वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान महमूद जावेद भट्टी ने रोही से खसूसी गुफ्तगु में इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली है। तफसील के लिए ओन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में शिकायात की तादाद बढ़ने लगी। एक साल के अंदर शिकायात में 80% इजाफा रिपोर्ट हुआ। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में साल 2021 में 6,699 जबकि 2022 में 10,532 शिकायात मौसूल हुई। वफाकी मोहतसिब को मुल्क भर में साल 2021 में 1,10,405 जबकि 2022 में 1,63,332 शिकायात मौसूल हुई। रीजन की अगर मैं बात करूं, पिछले 20 साल के मुकाबले में सबसे अच्छी रही कि इस साल जो है वो 10,000 के करीब हमारे पास दरख्वास्तें आईं जिनको हमने फैसला किया। और इसी तरह अगर हम देखें पिछले साल 2021 में 2020 में कोरोना के बावजूद 2019 से ज़्यादा हमारे पास वफाकी मोहतसिब के इदारे में दरख्वास्तें आई थी और इस साल भी हमारे पास जो है 10,000 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में दरख्वास्तें आईं। यानी कि पिछले साल अगर 1,00,000 के करीब, इस साल 1,10,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में दरख्वास्तें आईं जिन पर फैसला किया गया। एडवाइजर वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान महमूद जावेद भट्टी का रोही से खसूसी गुफ्तगु में कहना था कि साल 2022 में 10,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में आने वाली शिकायत में से 95% हल हो चुकी हैं। अरे यहाँ जो अमल दरामद की रेशो है वो 95-96% है, क्योंकि जब एक फैसला हो जाता है तो सिवाय इसके कि कोई महकमा जो है वो रिव्यू में आ जाए हमारे पास नजरसानी में, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उसकी अपील कर दे, अदरवाइज 30 दिन में नहीं करते और तो फिर हर सूरत में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और ज़्यादा उससे ज़्यादा खुशी की बात ये कि जब एक दरख्वास्त आ जाती है और सीनियर ऑफिसर्स किसी भी महकमे के हों बैठ के जब उसको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि नीचे वाले स्टाफ ने कहीं ना कहीं गलती की है, वो उसको दुरुस्ती करके लाते हैं और इससे हम रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं। वफाकी मोहतसिब में 200 से ज्यादा वफाकी इदारों के खिलाफ दरखास्तें मौसूल होती हैं। साल 2022 में रिकॉर्ड शिकायत रिपोर्ट हुई। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। पंजाब हुकूमत ने जहानिया में करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स मुशीर वजीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान नयाजी की खसूसी काविश पर जारी किए गए हैं। कई मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है जबकि बहुत से मंसूबों पर काम अभी जारी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुशीर वजीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान नयाजी की काविश से जहानिया के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर। स्ट्रीट लाइट्स, सिटी गेट से रेलवे फाटक तक कारपेट रोड, लेडी एंड चिल्ड्रन पार्क और क्रिकेट स्टेडियम के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। जबकि चिल्ड्रन अस्पताल, THQ अस्पताल में 150 बेड, ट्रॉमा सेंटर और अड्डा पुल 14 था पुल 132 तक कारपेट रोड का काम जारी है। मुआवने खसूसी वजीर अला पंजाब चौधरी खालिद जावेद अराई कहते हैं कि जहानिया में मंसूबों पर काम जारी है जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जहानिया में काफ़ी सारे तरक्याती मंसूबे जो हैं पाया तकमील तक पहुंच गए। मशीर वजीर अला पंजाब नवाबजादा अयाज खान नियाजी साहब और मैं, हमने जो यहाँ पे मंसूबे जो है मुकम्मल करवाए हैं उनमें, और कुछ मंसूबे पाइपलाइन में हैं। जो मंसूबा पुल 14 से 132 टेनार वाला रोड जो है वो 16 किलोमीटर चौड़ा था, 16 फुट चौड़ी सड़क जो है अब 24 फुट चौड़ी सड़क बनेगी, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब जो है थोड़े महीनों में कंप्लीट हो जाएगी। तहसील जहानिया के हर गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, BHU को 24 घंटे खुला रखने और हर बुनियादी मरकज सेहत में एम्बुलेंस मुहैया करने के मंसूबों पर भी काम शुरू किया जाएगा। जहानिया की आवाम ने तरक्याती काम करवाने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। मुल्तान में मुताले के शौकीन हजरात के लिए अच्छी खबर। अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की तज़ईन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुहैरा तारिक।
मुल्तान में अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की भी सुनी गई। म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की ताज़ीन आराइश का आगाज कर दिया गया। 1954 में कायम होने वाली म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी का शुमार मुल्तान की कदीम लाइब्रेरियों में होता है। लाइब्रेरी की दीवारों और जालियों पर जमी धूल मट्टी की साफ सुथराई और रंगो रोगन का काम जारी है। लाइब्रेरी की इमारत को व्हाइट वॉश करके असली हालत में बहाल किया जाएगा। व्हाइट वॉश होगा सारा और सारी मरम्मतें दोबारा हो रही है, ठीक है, और फर्नीचर मरम्मत का काम भी, जो भी मरम्मती काम जो भी बचा हुआ है सारा कमिश्नर साहब के हुक्म से हो रहा है। लाइब्रेरी में पुराने फर्नीचर की रेनोवेशन और पॉलिश भी की जाएगी। लाइब्रेरी के मेंबरान और मुताला करने के लिए आने वाले अफराद ने ताज़ीन और आराइश के काम को सराहा। लाइब्रेरी की खस्ता हाल छतों और दीवारों की मरम्मत का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। यहाँ पे काम मजीद अच्छा होना चाहिए और हो रहा है, और बाकी इसके अलावा जो जरूरियात पूरी होनी चाहिए जो यहाँ पे है, जिसकी कमी है, सफाई हो डेली और जो ज़रूरत है एक रीडर की, उसको सारी मुकम्मल होनी चाहिए। ज़ीनों और आयश का जो काम हो रहा है वो यकीनन ज़रूरत भी थी इसकी, और इससे ये है कि हमारा जो माहौल मिलेगा वो साफ़ सुथरा मिलेगा, यहाँ पे पढ़ने का एनवायरनमेंट जो है वो वैसे भी ओवरऑल कम है तो ये बेहतर है। कुतुब मीनार के शौकीन अफराद ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि लाइब्रेरी की तज़ीन और आयश का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। विहारी में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का गरीब और बेसहारा अफराद के लिए अहसन इकदाम। सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लुडन में ग्रैंड होम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखते हैं हाफिज़ सालेह मोहम्मद की रिपोर्ट। विहाड़ी के इलाका लुडन में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बेसहारा और नादर अफराद के लिए ग्रैंड होम का इफ्तिताह किया गया। समाजी रहनुमा चौधरी साजिद सरवर की वालदा ने ग्रैंड होम का इफ्तिताह किया। ग्रैंड होम में बेसहारा अफराद के लिए खाने पीने और सेहत की तमाम सहूलियात यकीनी बनाई जाएंगी। सदर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद असलम कमलाना का कहना था कि ग्रैंड होम को अपनी मदद आपके तहत दोस्तों के तआवुन से शुरू किया गया है, जहाँ बेसहारा मर्दों ख़वातीन की हर तरह से खिदमत की जाएगी। ये ग्रैंड होम मेरा एक ख्वाब था कि हम जो बूढ़े आदमी हैं, जैसे मेरे वालदैन फौत हुए तो मैं कमी महसूस कर रहा था, तो मैंने कहा कि उनकी खिदमत के लिए कोई रास्ता निकाले, तो वो मेरे जहन में आया। और इसमें ये मैं एक अकेला नहीं, ये सब दोस्त इसमें शामिल हैं। ये ग्रैंड होम मैंने नहीं बनाया, सब दोस्तों ने मिल के बनाया है और सारे दोस्त मेरे साथ बड़ा तआवुन कर। इफ्तिताही तकरीब में सलाम मुतासरीन के लिए खिदमत सरंजाम देने वाले अफराद में शील्ड और असनाद भी तकसीम की गयी। चौधरी मोहम्मद साजिद सरवर का कहना था कि बढ़ती महंगाई में ग्रैंड होम का क्याम बेसहारा अफराद के लिए फायदा मंद साबित होगा। बुजुर्ग जो होते हैं ये हमारे लिए सरमाया है, ये वालदेन जो हैं ये असासा हैं बहुत बड़ा। वैसे हमारी सोसाइटी में वो जो लोग हैं जिनका कोई आसरा नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, उनके पास सोर्सेज नहीं है, तो इंशाल्लाह ग्रैंड होम उनको एक बेहतरीन वहाँ पे खाने का इंतजाम होगा, उनकी रहायश वीआईपी रहायश होगी उनके लिए। तकरीब के शुरुका ने बेसहारा अफराद की फलाह बहबूद के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की कोशिशों को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालेह मोहम्मद, रोही विहाड़ी। महकमे स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब ने एक और बैन अल-अक़वामी एजाज अपने नाम कर लिया। मुल्तान दुनिया का पहला खिता है जहां स्कूलों में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात बारे किताब निसाब में शामिल की गई है। आर्ट्स काउंसिल में मुनाक़िदा ग्रीन बुक के तारीफी सेशन में जनूबी पंजाब भर से स्कूल अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात के लिए वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के स्कूलों में मौसमियाती तब्दीली बारे सब्स किताब 2 साल से 7वीं क्लास में राइज है। स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब के इस इकदाम से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम अनवर का कहना था कि बरतानवी वजीर तालीम ने मौसमियाती तब्दीली के निसाब बारे स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब से जूम मीटिंग की और सब्स किताब बारे मालूम हासिल की हैं। अक्वामे मुताहिदा ने भी महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब के इस एहसन इकदाम की तारीफ की है। ये जो सैलाब आया उससे हम सबको पता चला कि ये कोई दूर की बात नहीं है, अब हमारी नस्ल को ही इसका सामना है। तो वहाँ से ये सोच मुस्तहकम होती चली गई कि अगर सैलाबों से बचना है, ऐसी सूरतेहाल से बचना है आइंदा के लिए, तो फिर आपको अपनी आने वाली नस्लों को तैयार करना पड़ेगा, और नस्लें जो हैं स्कूलों में तैयार होती हैं। तो फिर हमने मौसमियाती तब्दीली के मजमून को तैयार करने का सिलसिला शुरू किया, निसाबी कुतब तैयार की, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार किए, और अब अल्लाह के करम से जनूबी पंजाब में हम इसका इजरा कर चुके हैं। तकरीब में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और महकमा तलीम जनूबी पंजाब के तमाम CEOs, DEOs और डिप्टी DEOs समेत 257 स्कूलों के सरबराहान और ट्रेनर्स ने शिरकत की। स्कूल एजुकेशन के मवाकी जंगल मनसूबा बारे भी गुफ्तगू की गई। तो मौसमियाती तब्दीली को पढ़ाने के लिए भी एक लैब जरूरी थी,
हम इसका हक अदा करना चाहते हैं इस मजमून को पढ़ाने का। तो हमने हर स्कूल में एक जंगल भी बनाने का सिलसिला शुरू किया है, और वो अब जंगल, आम जंगल जो है, जो आम टेक्निक से उगाए जाएं, वो 100 साल लेते हैं जोबन पे पहुंचने के लिए, और मियावाकी तकनीक जो कि जापान ने एस्टेब्लिश की है, 10 साल में 100 साल के बराबर जंगल मिलता है। तारुफी सेशन में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का कहना था कि सब्स किताब थ्योरी नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों बारे कहानियों पर मबनी किताब है, और हालिया सैलाब के बाद किताब का दूसरा एडिशन भी लॉन्च कर दिया गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी, इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।